अगेंस्ट बोलना गौरव, क्या कहा आपने डेफिनेशन? मैम, द माइटोटिक डिवीजन स्टार्ट एज अ जाइगोट मूव टू द इस्थमस ऑफ द ओविडक्ट. ओके, क्लीवेज इज अ प्रोसेस, इट इज अ प्रोसेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट. ओके, एम्ब्रियोज इसके अंदर डेवलप होंगे फ्रॉम जायगोट टू एम्ब्रियो एंड द माइटोसिस टेक्स प्लेस This process is known as cleavage. हमें डेफिनेशन लर्न थोड़ी ना करनी है, ऐसे रटनी थोड़ी है. जो रटनी होगी वो मैं बता दूंगी आपको, बाकी तो आप जो समझ रहे हो वही डेफिनेशन के फॉर्म में बनाओगे, है ना? तो ये क्लीवेज है. अब हमारे पास लास्ट जो क्लास थी उसके अंदर जायगोट बन गया था. जायगोट की प्लॉइडी आप सबको पता है ना, या जिसको भी नहीं पता है 2n कैसे आई तो वो बोल देना. अभी जायगोट डेवलप कहाँ हुआ है? देखो, दिस इज द ओवरी, ये है फ्रिम्बी, ये है एम्पुला, और यहाँ पे थोड़ी सी हम रॉड बनाते हैं स्ट्रक्चर, और ये है यूट्रस. ठीक है, तो ये जाइगोट बन का रहा है. जाइगोट जो है यहाँ पे बना. फर्टिलाइजेशन की साइट क्या होती है? व्हाट इज द साइट ऑफ फर्टिलाइजेशन? एम्पुलरी रीजन. साइट ऑफ, गुड, फर्टिलाइजेशन इज एम्पुला इस्थमस जंक्शन. ठीक है, इन दोनों का जंक्शन है. ये जंक्शन जहाँ पे ये दोनों एरियाज मिल रहे हैं वहाँ पे फर्टिलाइजेशन होगा. तो देखिए, यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो गया और ये क्या बन गया है? जायगोट. अब ये तो सिंगल सेल है, सिंगल सेल से पूरा एक बड़ा ह्यूमन बनाना है. तो ह्यूमन की प्लॉयडी भी डिप्लॉयड होती है. सो इसके अंदर कोई कन्फ्यूजन की बात ही नहीं है कि यहाँ पर मियोसिस होगा या माइटोसिस होगा. दोनों पूरी की पूरी प्रोसेस में माइटोसिस ही है. तो देखो, माइटोसिस होते हैं. अभी प्रोसेस में यहाँ पे बता देती हूँ आपको कि जायगोट है, इसके अंदर माइटोसिस फर्स्ट हुआ. ठीक है, तो ये दो अनइक्वल सेल्स के अंदर डिवाइड होगा. एक हल्की सी लार्ज सेल होती है और एक स्मॉल सेल होती है. फिर इसके अंदर ऊपर वाली सेल जो है एपिकल सेल, उसके अंदर लॉन्जिट्यूडनल डिवीजन होता है और ये थ्री सेल स्टेज बनती है. ठीक है, दिस इज द थ्री सेल स्टेज. आफ्टर थ्री सेल स्टेज अब माइटोसिस जो है वो होते जाएंगे, और उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 16 सेल स्टेज जो है एक स्ट्रक्चर बन चुका है. ठीक है, ये सारी की सारी क्या है? 16 सेल्स. और इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा? मोरूला. क्लियर? और मोरूला आफ्टर फर्टिलाइजेशन ये कितने डेज के अंदर हो जाता है? रेड विजिबल है क्या आप लोगों को? ये कितने डेज के अंदर कंप्लीट हो जाती है मोरुलेशन प्रोसेस? 1-3 डेज मोरूला बन जाता है. और मोरूला का बनना क्या कहलाता है? मोरुलेशन.
एंड द सेल्स ऑफ मोरूला, ये जो 16 सेल स्टेज है, और हर एक सेल को हम क्या बोलते हैं, ब्लास्टोमियर. इज इट क्लियर टिल मोरुलेशन? बहुत इजी है ना, ये तो आपको आता ही है सबको. इसके बाद इसके अंदर फर्दर मोर डिविजन्स होते रहते हैं, नियर अबाउट 7 डेज तक डिविजन चलते हैं, और आप देखेंगे कि थोड़ा सेलुलर मास जो है वो बढ़ जाता है, 200-300 समथिंग सेल्स जो है वो डेवलप हो जाती है, और फाइनली इसके अंदर क्या होते हैं, पोल्स जो है वो जनरेट होने लग जाते हैं. पोल्स जनरेशन का मतलब है कि सेलुलर मास जो है एक साइड ज़्यादा आने लग जाता है, और दूसरी साइड आपको हल्की सी कैविटी नज़र आने लगती है. दिस इज द कैविटी. तो ये क्या है, एक होलो स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है. ब्लास्टोमियर्स ही हैं ये सारी की सारी, बट सेल्स जो है 250 से अबव हो जाती है इसके अंदर. कैविटी जो है इसको हम कहेंगे ब्लास्टोसील. ब्लास्टोसील कैविटी के नाम से इसको जानेंगे, ठीक है, ब्लास्टोसील. और ये ब्लास्टोमियर्स ये, बट ये ब्लास्टोमियर्स का आप देखेंगे ये क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर बना रही है. ये लेयर किससे बनी है? ब्लास्टोमियर से ही बनी है, उनके अंदर पेरिक्लाइनर डिवीजन से बनी है, और इस प्रोटेक्टिव लेयर का नाम होता है ट्रोफोब्लास्ट. एंड दिस प्रोसेस फ्रॉम मोरूला टू ब्लास्टुला, ब्लास्टुलेशन. ठीक है, आफ्टर ब्लास्टुला 15 डेज तक के टाइम के अंदर, 15 दिन के अंदर अंदर आप देखेंगे कि एक और स्ट्रक्चर बन के तैयार है, जिसके अंदर देर इज अ क्लियर डिफरेंशिएशन, आपको एकदम क्लियर डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा कि आउटर सेल, अब यहाँ ट्रोफोब्लास्ट नहीं बोलेंगे हम इसको, दिस इज नोन एज एक्टोडर्मा. ठीक है, फिर इनर सेलुलर मास भी नजर आएगा आपको. ये इसके अंदर जो बनी हुई है वही है, और फाइनली यू विल सी एंडोडर्म आल्सो. ये एंडोडर्म, ये क्यों है यहाँ पे? क्योंकि इनको फैट्स जो है, इनका भविष्य जो है वो डिसाइड करना है कि कौन सी सेल जो है क्या डेवलप करने वाली. ठीक है, तो ये ऐसा स्ट्रक्चर, इसे हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रूला. फाइन, दिस इज द एक्टोडर्म. आपने 11th में पढ़ा था ना, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं. ये है मीजोडर्म, तो ये देखो तीन डर्म्स बन गई है, और ये वाली है एंडोडर्म. तो थ्री लेयर्स बन चुकी है, दैट्स व्हाई वी आर ट्रिप्लोब्लास्टिक. यहाँ पे अगर आप कोई भी इस कंडीशन में सेल उठा लेते हो ना, तो सेल्स डेवलप होगी, उन्हें इन्हें हम स्टेम सेल्स बोलते. दीज सेल्स आर नोन एज स्टेम सेल्स. तो भविष्य में हमें कभी भी किसी ऑर्गन की ज़रूरत पड़े, तो ये स्टेम सेल्स अगर प्रिजर्व करवा के रखी हैं, तो उनसे वापस हम रीजनरेट करवा सकते हैं. जिस चीज़ की भी डेफिशिएंसी, कोई चीज़ ख़राब हो गई, कोई ऑर्गन ख़राब हो गया, तो इनके थ्रू डेवलप हो सकता है, ट्रांसप्लांटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती. ठीक है मैम, पता कैसे चलाया कौन सा ऑर्गन, कौन सा सेल कौन सा ऑर्गन है? नहीं, इसके अंदर ये डिटरमाइन नहीं करता. अभी यही बता रही हूँ कि ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्लीवेज जो होता है इनडिटर्मिनेट टाइप का होता है. ठीक है, अभी डिटर्मिनेशन नहीं होता. डिटर्मिनेशन थोड़ा
टाइम लगता है, फिर उसके बाद स्टार्ट होता है। उसके बाद जब हम करते हैं तो प्रॉब्लम्स आती। बाकी यहाँ से आप सेल्स उठा सकते हो कोई भी, और इसको डेवलप कर सकते हो। और ये कंप्लीट प्रोसेस क्या कहलाएगी? गैस्ट्रुलेशन। और इसको कितना 7 to 15 डेज लगते हैं कंप्लीट होने के अंदर बस। और 15 दिन के अंदर अंदर ये जो है एम्ब्रियो डेवलप हो जाता है। उस वक्त ओवुलेशन नहीं होता है, और एम्ब्रियो डेवलप हो गया और आफ्टर 15 डेज में ये इम्प्लांट भी हो जाता है। तो इम्प्लांट होने के बाद फिर ये जो है मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाता है प्रेगनेंसी के अंदर, जो है उसके सिम्टम्स जो है वो सामने आने लग जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से ये डेवलप होता हुआ चला है, ये ब्लास्टोसील बन गया यहाँ पे, और ये क्या बन गया? गैस्ट्रुला। एंड स्टिल देखो इनके ऊपर अभी भी जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट है, जोना पेल्यूसिडा प्रेजेंट है। अब ये क्या करता है, जो यूट्रस की वॉल है इसके अंदर अटैच होगा, उसे हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन। उससे पहले मैं एक चीज और बता देती हूँ, जैसे जो क्लीवेज बन गया है गैस्ट्रुला, तो ये फाइनल क्या होता है फिर, इसके अंदर यू शेप्ड कैविटीज जो है वो बनने लग जाती है, ठीक है। और ये एक पोर बन जाता है। अगर ये पोर पहले माउथ बनाता है तो उसे उन टाइप के एनिमल्स को हम कहते हैं प्रोटोस्टोमिया, और अगर ये पहले एनस बनाता है तो उन्हें हम कहते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। तो ह्यूमन बीइंग्स का जो क्लीवेज है, वी ऑल आर ड्यूटेरोस्टोमिया। क्योंकि फर्स्ट जो पोर है वो एनस का डेवलपमेंट करता है, उसके बाद माउथ का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। नाउ क्या बता रही थी मैं आपको? इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन है ना। अब देखो इम्प्लांटेशन क्या है कि गैस्ट्रुला बन गया, जोना पेल्यूसिडा है उसके साथ। अब ये तो है यूट्रस और ये है इसका एंडोमेट्री। ये यहाँ पे आया, साथ में क्या है? जोना पेल्यूसिडा। इसको थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। ठीक है, दिस इज जोना पेल्यूसिडा। तो देखो जोना पेल्यूसिडा की कोई एक सेल, उसकी ये इस तरीके से सीलियास विजिबल हो रहा है, और इस एंडोमेट्रियम की सेल्स, उनकी सीलियास आपस में इस तरीके से जस्ट लाइक दिस ऐसे कनेक्शंस जो है वो डेवलप कर लेती है इस तरीके से, और उसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। और जैसे ये कनेक्शंस डेवलप हो गए तो आप लेटर स्टेज में क्या देखोगे कि ये यहाँ पे गैस्ट्रुला जो है आके अटैच हो गया है, और अब एंडोमेट्रियम उसको इस तरीके से कवर कर रहे हैं। और ये अटैचमेंट ही प्लेसेंटा बन जाता है आगे। जोना पेल्यूसिडा का अटैचमेंट ही प्लेसेंटा बन जाता है। क्यों हुआ है ये अटैच? फॉर द supply of nutrients, for the supply of oxygen and for the transportation of waste materials, iske liye iska development hua. To final jab aap aur again stages mein dekhenge to ye endometrium hai, yahan pe ye placenta ka development ho chuka hai, aur placenta se ek fir umbilical cord nikal jati hai, और वो अम्बिलिकल कॉर्ड जो है बेबी के स्टमक से अटैच्ड रहती है। ठीक है, और यहाँ पे
अब एमनियोटिक मेम्ब्रेन्स डेवलप हो जाती, जिसके अंदर क्या फिल रहता है, एमनियोटिक फ्लूइड, बस। तो इसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन। अब एट द टाइम ऑफ इम्प्लांटेशन ये प्लेसेंटा धीरे धीरे और बड़ा होगा, क्योंकि जितना अच्छा हेल्दी प्लेसेंटा होगा उतना ही इसको नरिशमेंट अच्छे से मिलेगा, उतना ही जो है प्रॉपर सब कुछ ट्रांसपोर्टेशन की सप्लाई या वेस्ट मटेरियल का एक्सक्रेशन एवरीथिंग विल बी गुड। सो प्लेसेंटा का बड़ा होना, अम्बिलिकल कॉर्ड का लंबा होना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अम्बिलिकल कॉर्ड अगर लेंथ में बहुत ज़्यादा लंबी है या फिर बेबी के अंदर मूवमेंट बहुत ज़्यादा है तो वो समटाइम्स इसके चारों तरफ लिपट जाती और वो मूवमेंट में पता नहीं चलता कि अगर नेक के आसपास अम्बिलिकल कॉर्ड चली गई है तो उसमें फिर चांसेस जो है थोड़े ऐसे घबराने वाले बन जाते हैं। ठीक है, दिस इज़ द इम्प्लांटेशन। अब इसके अंदर आता है कि प्लेसेंटा कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है। तो कौन कौन से हार्मोन्स रिलीज करता है बताओ प्लेसेंटा? ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिज्म, ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ओके, कौन कौन से हैं? पहला आपका ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन्स, इसे हम क्या बोलते हैं, HCG। फर्स्ट हार्मोन तो ये हो गया। दूसरा हार्मोन कौन सा है? ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजेन, प्लेसेंटल लैक्टोजेन HPL के नाम से जानते हैं इसको। तीसरा है प्रोजेस्टेरोन और चौथा है एस्ट्रोजन। ठीक है, तो ये चार हार्मोन्स जो है प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज किए जाते हैं। इसमें से क्या फंक्शन है? ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन जो है कंप्लीट प्लेसेंटा के थ्रू रिलीज किया जाता है। इस ये एक्चुअली हार्मोन है ना, इसकी प्रेजेंस की वजह से ही प्रेगनेंसी में अगर ये हार्मोन की प्रेजेंस आ जाती है, टेस्ट जब करवाते हैं तो कंफर्म हो जाता है कि वुमेन जो है वो प्रेग्नेंट है। तो HCG की प्रेजेंस की वजह से प्रेगनेंसी कंफर्म की जाती है। ह्यूमन प्लेसेंटल लैक्टोजन, तो देखो ये बेसिकली लैक्टोजन है तो ये मैमरी ग्लैंड्स और मिल्क प्रोडक्शन में हेल्प करता है। प्रोजेस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन दे विल डिफाइन द यूटेराइन मेम्ब्रेन। ठीक है, यूटेराइन मेम्ब्रेन को किस तरीके से अच्छे से रखना उसको डेवलप करेंगे। नाउ ये जो प्लेसेंटल हॉर्मोन्स हैं इनको मिला के प्लस एक ऑक्सीटोसिन हॉर्मोन जो है उसको मिला के एक रिफ्लेक्स एक्शन डेवलप होती है, जिसे हम कहते हैं फीटस एजैक्युलेशन रिफ्लेक्स। किसके थ्रू होता है? प्लेसेंटल हॉर्मोन्स प्लस ऑक्सीटोसिन नहीं आता अभी, मायोमेट्रियम उसके थ्रू। मायोमेट्रियम क्या है? व्हाट इज मायोमेट्रियम? यूट्रस की वॉल। ठीक है, मिडिल वॉल ऑफ यूट्रस इज नोन एज मायोमेट्रियम, उसको हम क्या कहते हैं, मायोमेट्रियम। तो उसके अंदर कॉन्ट्रैक्शन प्लस इन हॉर्मोन्स का ज़्यादा सिक्रीशन कब होगा? जब फीटस कंप्लीट अपना गेस्टेशन पीरियड कर लेगा। गेस्टेशन पीरियड क्या होता है? एम्ब्रियो का फीटस तक का डेवलपमेंट 9 मंथ का होता है, 36 वीक्स का होता है। पहले 3 महीने को फर्स्ट ट्राइमेस्टर कहते हैं, फिर अगले 4-5-6 महीने को सेकेंड ट्राइमेस्टर और फिर लास्ट 3 मंथ्स को 7-8-9 को थर्ड ट्राइमेस्टर बोला जाता है। तो कंप्लीट डेवलपमेंट के बाद ये जो है प्लेसेंटा हार्मोन रिलीज करता है, प्लस मायोमेट्रियम के अंदर कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाते हैं
और वो कॉन्ट्रैक्शन लीड करवाता ऑक्सीटोसिन, या फिर हम कहते हैं उनके अंदर कॉन्ट्रैक्शन होने से ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है और उसकी वजह से फिर लेबर पेन जो है वो स्टार्ट हो जाते हैं एंड जो डिलीवरी बर्थ डिलीवरी का जो टाइम है वो आ जाता है। ठीक है, तो हम देखते हैं पार्टुरिशन देख लेते हैं क्या है। एक रिलैक्सिन हार्मोन भी होता है जो ओवरी सीक्रेट करती है, तो भी वो पार्टुरिशन के अंदर काम में आएगा। डिलीवरी ऑफ फीटस, फीटस की डिलीवरी, इसके अंदर क्या कौन सा रिफ्लेक्स एक्शन आता है? फीटस इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है, फीटस इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स एक्शन। देखो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब आप लोग जानते हो कि हमारी बॉडी में कुछ हुआ है तो उसके अगेंस्ट में बॉडी क्या करती है, वापस क्या एक्शन लेती है। तो बॉडी में क्या हुआ है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हुए, वो कॉन्ट्रैक्शन किसके थ्रू हो रहे हैं, यूट्रस के अंदर कॉन्ट्रैक्शन। किसके थ्रू हो रहे हैं? मायोमेट्रियम के थ्रू। है ना, और ये क्या कहता है, ये हाइपोथैलेमस को इंडिकेशन देता है। हाइपोथैलेमस रिलीज हार्मोन, ऑक्सीटोसिन रिलीज हार्मोन को रिलीज करता है और वो जो है पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड पे जाता है और उससे ऑक्सीटोसिन का रिलीज करवाया जाता है। और जितना ज़्यादा लेवल ऑक्सीटोसिन का हाई होगा उतने ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होंगे। जितना ज़्यादा हाई उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन भी हाई, तो ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन, अब कॉन्ट्रैक्शन हाई हो गया तो प्लेसेंटल हार्मोन्स भी ज़्यादा रिलीज होंगे। ठीक है, HPL, HCG, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन, इनका रिलीज हो गया हाई और इनके रिलीज हाई होने से ये ऑक्सीटोसिन पे इंडिकेशंस, या हम कह सकते हैं हाइपोथैलेमस पे और इंडिकेशंस आ जाते हैं कि आप ऑक्सीटोसिन को रिलीज करो। इसे हम कहते हैं फीटस इजैक्यूलेटरी रिफ्लेक्स। और ये सारा हार्मोन देख के ओवरी भी क्या कहती है, वो भी एक हार्मोन रिलीज करती है जिसे हम कहते हैं रिलैक्सिन। रिलैक्सिन का काम होता है जो प्यूबिक एरिया है, ठीक है, सिम्फोसिस, उसको रिलैक्स करवाना है क्योंकि बर्थ का टाइम आ चुका है। तो ये सारे हॉर्मोन्स वर्क करते हैं और बेबी जो है बाहर की तरफ पुश होने लगता है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस से बाहर आता है और सर्विक वाला जो एरिया आता है वहाँ पे रिलैक्सिन वर्क करता है, वहाँ पे प्यूबिक सिम्फाइसिस को थोड़ा दूर हटाया जाता है। वो गर्डल कौन सा है, पेल्विक गर्डल, ठीक है, तो वो उसकी मसल्स जो है पेल्विक मसल्स वहाँ काम करने लगती है, देन देर विल बी डिलीवरी ऑफ फीटस। नाउ वी विल कॉल देम इन्फेंट, उनको हम क्या बोलेंगे, इन्फेंट। तो ये है पार्टुरिशन, क्लियर है? यस मैम। ठीक है, देन लैक्टेशन,
लैक्टेशन के अंदर क्या है? मिल्क प्रोडक्शन प्लस मिल्क सेक्रीशन। See, there will be two hormone again. First hormone in milk production. Which is prolactin. Prolactin का secretion जो है जैसे ही implantation हो जाता है तब से start हो जाता है थोड़ा थोड़ा और last third trimester के अंदर ही high होता है। कौन रिलीज करवाता है इसको? हाइपोथैलेमस का प्रोलैक्टिन रिलीज हार्मोन एंड इट विल रिलीज फ्रॉम द इंटीरियर पोर्शन ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड। ठीक है, वहाँ से ये रिलीज होता है और मेमोरी ग्लैंड के डेवलपमेंट में हेल्प करता है, प्लस उनके अंदर जो लोब्यूल्स है उनको और डेवलप करना है, वहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस करने का काम इसका होता है। देन मिल्क सिक्रीशन, तो मिल्क सिक्रीशन का काम होता है ऑक्सीटोसिन का। ठीक है, ऑक्सीटोसिन का वर्क होता है मिल्क सिक्रीशन में। ठीक है, ये मिल्क सिक्रीशन करवा देता है तो ये दोनों भी क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन पे वर्क करते हैं। जैसे ही बच्चे की आवाज़ मदर सुनती है, अगर मिल्क नहीं है तो मिल्क प्रोड्यूस हो जाएगा और ऑक्सीटोसिन के थ्रू अपने आप सिक्रीट होने लग जाएगा। तो इसका वाला रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है प्रोलैक्टिन रिफ्लेक्स एक्शन और ऑक्सीटोसिन का रिफ्लेक्स एक्शन कहलाता है ऑक्सीटोसिन रिफ्लेक्स एक्शन। ये फंक्शन किसके लिए कर रहा है? सिक्रीशन के लिए। ये किसके लिए कर रहा है? प्रोटेक्शन के लिए। ठीक है, ये है लैक्टेशन। अब देख लो आप लोग एक बार बुक, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अभी हम सॉल्व कर लेते हैं, अदरवाइज ये चैप्टर तो कंप्लीट है। है कोई प्रॉब्लम? ठीक है, मींस नाउ वी हैड कंप्लीटेड चैप्टर 2 and 3। अब यस, 1 भी इंक्लूड करेंगे हम। आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए अब इसको 2 और 3 के अंदर, चाहे डेफिनेशन हो चाहे कुछ भी हो, क्योंकि रटने का काम तो इसके अंदर मुझे लगा नहीं कहीं पे भी है। एग्जांपल्स है तो वो आप जितनी बार पढ़ोगे लिखोगे लर्न हो जाएंगे, बाकी तो चैप्टर बहुत ईजी है। नेक्स्ट इसके क्वेश्चन आंसर्स मैं डिस्कस कर लूँगी और फिर रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है उसके बारे में डिस्कशन करते हैं चैप्टर 4 के बारे में। ठीक है, चलो फिर देन। प्रियांशु अभी तक देखो बेटा कोई सिलेबस के रिडक्शन का वो आया नहीं है। उन्होंने सिलेबस क्या दिया है, क्योंकि लास्ट ईयर एनसीईआरटी नहीं था ना 12th के अंदर, तो एनसीईआरटी का सिलेबस दिया है अभी कि ये आरबीएससी के अंदर है। अब सिलेबस रिड्यूस करना है नहीं करना, इस पे अपडेट नहीं आया है। जैसे ही आएगा मैं आप लोगों को बता दूंगी, सो डोंट वरी। फर्स्ट चैप्टर बहुत ईजी है, यही है रिप्रोडक्शन, ये वो मिला जुला सबका एक साथ। सेकेंड चैप्टर हम कर चुके हैं, थर्ड चैप्टर हम कर चुके हैं, फोर्थ चैप्टर मैंने सोचा था आप लोग कर लेंगे अपने आप, बट मैं उसको पढ़ाना पड़ेगा मुझे। सो हम नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करते हैं। ओके, एनी प्रॉब्लम? किसी और को कुछ?
Fine then. Bye.